नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से आठवीं तक, बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बॉटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 Mile NH 31, नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। नाथनगर में एक गोदाम से 10 लाख के कपड़ों की हुई थी चोरी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया चोरी कर रहे युवकों को गिरफ्तार। ललमटिया थाना क्षेत्र के कुंडी टोला स्थित एक कपड़े के गोदाम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित व्यवसायी मनोज कुमार ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि अरुण क्रिएशन प्रोप्राइटर पिंकी कुमारी के नाम से फर्म चलाते हैं। सोमवार की रात अपने मकान से गोदाम को बंद करके दूसरे घर में सोने चले गए थे और मंगलवार की सुबह गोदाम खोलने पर कपड़े का बंडल बिखरा हुआ था। जांच करने पर कपड़े के 20 बंडल गायब थे जिनकी कीमत 10 लाख रुपए थी। उसी बाबत प्रशासन ने विशेष पहल की और वीडियो फुटेज एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त अपराधियों में विकास कुमार, राजन कुमार, राजा कुमार और बम्बम कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही अमर कुमार की निशानदेही पर चुराया गया सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार विकास कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान से घटना में सभी सहयोगियों का नाम को बोला। वहीं प्रेस वार्ता में सिटी DSP प्रकाश कुमार ने बताया कि सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 Mile नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कोई खेला नहीं होगा, 5 साल तक चलेगी NDA की सरकार। सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो काम हमसे नहीं होता है वो जिलाधिकारी से बोलकर करवाता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ पर उन्होंने बताया कि ये तो उन्होंने निमंत्रण दिया था जिसमें इफ्तार पार्टी में चले गए। दोनों पार्टी एक साथ होने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदलाव होने के अभी कोई चांस नहीं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी 5 साल तक NDA की सरकार चलेगी, उसके बाद ही कुछ फेरबदल होना तय है। जदयू एक साथ दिख रही है बीते कुछ दिनों से, क्या लग रहा है कि कुछ होगा? देखिए कुछ नहीं होने वाला है। हमारा कहने का मतलब ये, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी बड़े छोटे भाई का दर्जा था, अब इफ्तार पार्टी में बुलाए नीतीश कुमार को चले गए, तो इसमें कौन बड़का बात हो? नीतीश जी भी बुलाए उसके बाद भी 3 बार 4 बार लगातार। हाँ नीतीश जी बुलाए उसके बाद तो देखना ही पड़ेगा। प्रताप यादव भी बोले कि खेला होगा, क्या लगता? कौन कौन बोलता है? झूठे बोलता है खेला होगा, ये सब कुछ खेला फेला नहीं होने। चाचा जी ने उनके कान में कुछ कहा? नहीं, कान में नहीं, कहने का मतलब ये गठबंधन जो BJP जदयू की सरकार है ये 5 साल तक चलेगी, 5 साल के बाद ही कुछ होगा, अभी तो कुछ होने वाला नहीं। चलेगी सरकार बढ़िया जम के चलेगी। सर जैसे जदयू के विधायक भी दिख रहे हैं राजद का मंच साझा कर रहे हैं, क्या लगता है? राजद का मंच कहाँ साझा कर रहा है? मंच नहीं साझा हो रहा है। अब एक दूसरे ने दूसरे को निमंत्रण दिया तो निमंत्रण पुरने के लिए चला गया, ये तो कोई भी किसी को बुला सकते हैं। ऐसी कोई हरकत नहीं है, कोई बात नहीं है। RJD जदयू 7 चुनाव लड़ेंगे, 5 साल के बाद देखा जाएगा। हम अपने पत्नी को भागलपुर जिला से मेयर का चुनाव लड़ा रहे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा तो जीत सुनिश्चित है। चाहे महिला सीट रहे कि नहीं रहे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। क्यों, मतलब क्या हुआ जो आप सोचे कि नहीं लड़वाना चाहिए? लड़वा बैठ के घर में क्या करेगी? कुछ तो काम कर, जो जिसका ड्यूटी है अगर बैठा दीजिएगा तो काम ही गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कुछ काम करे, शहर का हवा पानी ले। शहर भ्रमण कराएंगे पहले तब ना फिर मेयर का? बोल दिए तो भ्रमण है, हम तो भ्रमण करते रहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं?
अब बैक लिए सब कुछ लिए जाएगा न्यूज में, उसके बाद देखिएगा कितने का छक्का छूटेगा। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन चौक नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। राष्ट्रीय जनता दल इकाई के द्वारा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल इकाई के द्वारा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टेनू व संचालन जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनजन पार्टी व पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ झाबो ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज को भोजन की कमी नहीं है, हम सम्मान के भूखे हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे, जो अपमानित करेगा उसके अपमान का भी बदला भी सूद समेत लेना है। वहीं जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने कहा कि जब दही चूड़ा मिलेला तब बिहार में रंग बदलेला। सत्ताधारी सरकार से मुख्य मांगे हैं कि परशुराम जयंती को राजकीय छुट्टी घोषित किया जाए और महापुरुषों की जीवनी की तरह भगवान परशुराम की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। युवा जिला अध्यक्ष कांतेश कुमार ने कहा कि आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर नया बिहार बनाने जा रहे हैं। इस दौरान जय परशुराम के नारे से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। मौके पर युवा उपाध्यक्ष रणधीर यादव, साजन टाइकोन, महासचिव सौगंध शाह, संजय झा, उप प्रमुख गौतम कुमार, विपुल चौधरी, बिट्टू कुमार सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह कोई कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोग नहीं रखे हैं, यह मुख्य रूप से जो हमारे नेता लोग पटना में आप लोग देखवे किए होंगे परशुराम के जयंती के शुभ अवसर पर, माननीय जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आशुतोष कुमार जी, दोनों के बीच जो समन्वय बैठा है और दो समाज हम लोग पुराने बातों को भूलकर जो आपस में भाई भाई का लड़ाई हम लोगों का दूसरे पक्ष के लोग लड़वाते थे उसको हम लोगों ने एक होकर पुराने भेदभाव को भुलाकर नया बिहार बनाने की तैयारी में हम लोग हैं। हमारे नेता का जो रोल है उस पर हम लोग सारे युवा यहाँ के भी जो हैं सब एकत्रित होकर संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। आज तो दोनों वक्ता बहुत कुछ बोल ही चुके हैं। आज हम दोनों संगठन मिल के ज़्यादा कर अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग का एक ही नारा है कि जब तक दही चूड़ा मिले तब ना रंग बदलिए। जय परशुराम। आज हम लोग भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और यादव मुसलमान, यह जो सभी जातियों को बांटने का काम किया गया है अब तक जो नेताओं के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जाता था, तो यह समायोजन का आज तथ्य है। हम लोगों का परशुराम गोष्ठी के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। प्रदेश के आह्वान पर कई जगह कार्यक्रम भी किया गया। आशुतोष जी और तेजस्वी जी आपस में मिलकर दही चूड़ा साथ में जो है सटा दिए हैं और उस दही चूड़ा का स्वाद हम लोग यहाँ चखने के लिए बैठे हैं और दही चूड़ा का ही रंग जो है अब यहाँ पर चढ़ने जा रहा है। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया निरीक्षण। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे ने किया। नवगछिया पुलिस जिले के पुलिस ने कमिश्नर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। उनके साथ उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी भी मौजूद थी। अनुमंडल कार्यालय का उन्होंने जायजा लिया। कमिश्नर ने विगत माह के खाद्यान्न के उठाव व वितरण पंजी की भी जांच की। अनुमंडल पदाधिकारी यतिन कुमार पाल को निर्देश दिया कि आपूर्ति की शिकायत आम जनता से नहीं आनी चाहिए। लगातार एमओ जनवितरण प्रणाली के दुकान की जांच करते रहना चाहिए। आप एमओ की निगरानी करें। अनुश्रवण समिति की बैठक लगातार होनी चाहिए। नियमित कोर्ट होनी चाहिए। जमीन संबंधी विवाद के निपटारण करने को भी कहा। सामान्य शाखा, गोपनीय शाखा, निर्वाचन शाखा के भी अभिलेखों का जायजा लिया। वहीं भूमि सुधार उप समाहर्ता परमानंद शाह को निर्देश दिया कि दाखिल खारिज के मामले लंबित नहीं रहे, इसके लिए सीओ के साथ बैठक करें। सीओ के कार्यों पर लगातार निगरानी रखें। न्यायिक कार्य कभी बाधित नहीं हो,
जो भी भूमिहीन हैं उन्हें जमीन की बंदोबस्ती कर दें। नौगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज, नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार से प्रमंडलीय आयुक्त ने क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। रेलवे गेटमैन की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपित ने किया आत्मसमर्पण। गेटमैन की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपित ने आत्मसमर्पण किया। आरोपित रंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर निवासी गौरव यादव है। ज्ञातव्य हो कि गुमटी संख्या 10 भवानीपुर के गेटमैन मुकेश कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक सबौर थाना क्षेत्र के आर्य टोला का रहने वाला था। मृतक के भाई रविकांत मंडल के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया गया कि 4 की संख्या में अपराधियों ने 31 दिसंबर की आधी रात को अपराधियों ने मुकेश से सिगरेट पीने के लिए रुपए की मांग की थी। मुकेश के पास रुपए नहीं था, वह डेरा से पर्स ले जाना भूल गया था। सिगरेट पीने के लिए रुपए नहीं दिए तो अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अनुसंधान में गौरव कुमार का नाम सामने आया था। पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर गौरव कुमार ने नौगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है। नौगछिया के तेतरी में घरेलू विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। नौगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी में घरेलू विवाद को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जख्मी में नौगछिया थाने के तेतरी निवासी टुन्नी राम की पत्नी चिंता देवी, विपिन राम की पुत्र वधु कोमल कुमारी, टुन्नी राम की पुत्री रूपा कुमारी, शंकर राम की पत्नी फूलो देवी, शंकर राम की पुत्री लक्ष्मी कुमारी हैं। वहीं संबंध में प्राथमिकी के लिए नौगछिया थाने में आवेदन दिया है। बाबा विश्व राउत सेतु के संपर्क पथ पर सड़क दुर्घटना में मां पुत्र जख्मी। कदवा ओपी क्षेत्र के बाबा विश्व राउत सेतु के संपर्क पथ पर सड़क दुर्घटना में मां बेटा जख्मी हो गए। घायलों में पूर्णिया जिले के रुपोली थाने के कनकला निवासी गुरुदेव शर्मा की पत्नी द्रौपदी देवी, पुत्र सुमित कुमार हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया पहुंचाया। बताया गया कि मां बेटा बाइक से नौगछिया आ रहे थे, बाइक तेज गति होने के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नारायणपुर NH 31 पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। SP नौगछिया सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर NH 31 पर गुरुवार को भवानीपुर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा को बीहपुर विधायक इंजीनियर कुमार सेलन ने लिया गोद। नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा को बीहपुर भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार सेलन ने गोद लिया। वहीं इस कड़ी में गुरुवार को वे प्रातः 6:30 बजे विद्यालय पहुंचे। सभी के साथ मिलकर विद्यालय का साफ सफाई किया। इसके बाद वे प्रार्थना उसके बाद वह प्रार्थना करते हुए विद्यालय में छात्रों के साथ सबसे पीछे बैठ गए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों में काफी योग्य और अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा आदर्श होगा तभी जब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। विद्यालय में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने पौधारोपण किया। मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक विनोद मंडल, शिक्षक दिनेश यादव, जदयू के प्रोफेसर अशोक सिंह सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। नारायणपुर वीडियो ने किया विद्यालयों का निरीक्षण। गुरुवार को नारायणपुर वीडियो हरिमोहन कुमार ने मध्य विद्यालय नारायणपुर, मध्य विद्यालय आशा टोल, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों के मेघा को परखा। मध्य विद्यालय नारायणपुर में मवेशी जोड़ने की शिकायत से काफी नाराज दिखे। ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय परिसर में भुट्टा रखा गया था, एक कमरा को शौच कर गंदा कर दिया गया था। वीडियो ने अभिभावक ग्रामीण जनप्रतिनिधि के साथ एक बैठक कर विद्यालय को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। जयपुर चूहर पश्चिम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पोषाहार को चेक किया। पंचायत में आमजनों से मिलकर विद्यालय, आंगनवाड़ी, छात्र निश्चय योजना, पेंशन, राशन कार्ड आदि के बारे में जनसंवाद किया। बच्चों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा पर अधिक जोर देने के लिए प्रेरित भी किया। नारायणपुर में वीडियो के द्वारा भंवरपुर विश्वकर्मा औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड का करवाया गया चुनाव। गुरुवार को प्रखंड कार्यालय नारायणपुर में वीडियो
हरिमोहन कुमार के द्वारा भमरपुर विश्वकर्मा औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड का चुनाव करवाया गया। वीडियो ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विरोध रहा, जिसमें अध्यक्ष राकेश कुमार, मंत्री शिल्पी देवी, सदस्य में नागे मिस्त्री, राजेश मिस्त्री, रूपेश मिस्त्री, कविता देवी, टुनटुन मिस्त्री निर्वाचित हुए। निर्वाचन होने के बाद सभी को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया।